नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। आधुनिकता सुविधा के साथ साथ अभिशाप भी है, ये कहावत उस वक्त चरितार्थ हो गई जब कृषि मंडी में उपज बेचने आए कृषक को इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे द्वारा लगाया जा रहा था चूना। दरअसल आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब पालखेड़ी निवासी कृषक गोपाल आंजना अपनी कृषि उपज सोयाबीन बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे पर टोल करा रहे थे। तभी टोल कांटे के पास खड़ा एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ हरकत कर रहा था। कृषक को शक हुआ तो उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी जेब में से एक रिमोट पाया गया, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे पर 90 किलो वजन पर लगभग 7 किलो सोयाबीन कम तोली जा रही थी। इस बाबत कृषक गोपाल आंजना ने बताया, मैं सोयाबीन लेके आया था 25-30 बोरी, जो भी मेरी भरी थी यहाँ पे बड़ी है, तोली नहीं थी, तो ये ना जेब में हाथ डाल के बोरी तोलने लगी और जेब में हाथ भर के मतलब रिमोट से, ये वाला रिमोट है, इसे बटन दबा रहा था बार बार, ये तो मैंने इसको देखा, इसके जेब देखा तो इसके जेब में से निकला ये रिमोट, और ये 90 किलो पे 7 किलो माल काट रहा था एक बोरी पे। एक बोरी शारदा के नाम से, शारदा के नाम से हमने अपना वजन भी तोला तो वजन भी सही आया। वही किसान नेता अशोक जाट का कहना था कि किसानों को चूना लगाने का यह पहला मामला नहीं है, वर्ष भर कृषकों के साथ मंडी में धोखाधड़ी की जाती है और नापतोल विभाग द्वारा मंडी में आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जबकि पूर्ण मामलों की शिकायत भी मंडी से लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई बार की गई है। आज किसान लेके आए थे माल सोयाबीन मंडी में, और जब इन्होंने यहाँ पे तोल चालू हुआ तो इनको उस जो तोलने वाला था उसकी जेब में रिमोट रखा हुआ था, तो वह रिमोट से कुछ इसे जेब में कुछ कर रहा था, इनको कुछ शक हुआ तो इन्होंने फिर बोला कि यार कुछ चोरी हो रही, इन्होंने देखा तो रिमोट से चोरी चल रही थी, एक मतलब 90 किलो पे 7 किलो की चोरी इस रिमोट से हो रही है यहाँ पर, और यह एक चोरी नहीं, इसके पहले मैंने स्वयं ने कई कांटे पकड़े हैं आपके सामने, आपको भी हमने बुलाया था और मंडी सचिव मीडिया को सबको हमने अवगत कराया था इस चीज से, लेकिन यह जो चोरी की प्रक्रिया लगातार चल रही है और अभी भी कई कांटों पे चोरी चल रही है। मेरा शिकायत की कोई मंडी अभी तक कोई मंडी के कर्मचारी कोई आए हैं, बाकी कोई कर्मचारी नहीं आया है यहाँ पर, और इस प्रकार की कहीं पर ऐसी वारदात होती है चोरी की तो यही के लिए इसको एक लाइसेंस के नाम से कहते थे, इसका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, बाकी और कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा एक निवेदन यह है सरकार से और प्रशासन के माननीय कलेक्टर महोदय से कि नाप तोल विभाग जो है, मैं इस मंडी में 5-7 साल से संलग्न यहाँ पर डेली आ रहा हूँ, आज तक नाप तोल विभाग ने एक भी कांटा चोरी का नहीं पकड़ा है, जबकि मैं हर साल में 2-4 कांटे चोरी के मैं स्वयं पकड़ लेता हूँ जो किसानों के साथ में इस प्रकार की चोरी हो रही है, तो नाप तोल विभाग क्या कर रहा है। मेरा आज कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी नाप तोल विभाग के अधिकारी नीचे से ऊपर सबको सस्पेंड करे, नहीं तो मैं कल पूरी मंडी जाम करके पूरी मंडी बंद करूंगा, जब तक मंडी नहीं खुलेगी जब तक सब सस्पेंड नहीं होंगे। गौरतलब है कि नाप तोल विभाग के निरीक्षक संजय पालिंदर का कहना कुछ यूं था, ये बिल्कुल कहना गलत है कि मंडी जाती है, हम अपना नियमित रेगुलर काम करें, जैसे शिविर में लगाते हैं समय पे कांटों की भी जांच भी की जाती है। पहले आपने चेकिंग करी थी? अभी करीब 4 महीने पहले चेक हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 4 महीनों के बाद या कई बार कांटे किसानों द्वारा अभी अभी लगा रहे हैं, अभी देखो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं, अभी आज तुरंत शिकायत है, तुरंत आए यहाँ पर, ऐसा नहीं घंटे से चल रहा, कौन सी तुरंत नहीं, हमें जब शिकायत मिली तो हम तुरंत आए, वहाँ खड़े रहे, मालूम पड़ा कांटा वहाँ से लेके यहाँ आ गए, तो हम वेट कर रहे, फिर हम यहाँ पर आए। आज तक आपने कोई कांटा पकड़ा चोरी करते हुए? बट हमारे पास ऐसे कोई कांटा पकड़ा नहीं, लेकिन शिकायत आती तो हम जांच करते हैं, जैसे आज आई शिकायत आई है आज तुरंत जांच करने आए, अब कांटे अभी भी जांच करने मिला नहीं हमको, सब यह मिले गए, यदि उसमें रिमोट है तो बराबर जाँच कार्रवाई होगी और कोर्ट में मामला जाएगा, इसमें मामला कोर्ट में जाएगा, इसमें कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट में जाएगा। इसके बाद किसानों की नाराजगी यही नहीं थमी, किसानों ने टोल कांटे से लेकर मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया। उसी समय वहां एम्बुलेंस आ गई जिसे जाने दिया गया, मगर अन्य वाहनों की वहां कतार लग गई। इसके चलते चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर द्वारा संबंधित व्यापारी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम खोल दिया। मंडी परिसर में एक व्यापारी के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे में कोई चिप लगा के रिमोट कंट्रोल के द्वारा वजन को कम तोला जा रहा था, ये बात किसान के द्वारा पकड़ी गई, उसके द्वारा आपत्ति ली गई और मंडी पर के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जा सका, तो उनके द्वारा आंशिक रूप से चक्का जाम किया गया था, जो पुलिस के द्वारा समझाई देने पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा चक्का जाम खोला गया है, किसान की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई आरोपी व्यापारी खिलाफ की जाएगी। सर आपके द्वारा एक डेमो भी दिखाया गया जिसमें वजन भी, वो पब्लिक के सामने मैंने खुद ने उसका वजन चेक किया था, तो मेरा वजन भी लगभग 7-8 किलो उसमें बढ़ा हुआ आ जाता था, जो वापस मूल वजन भी आ जाता था, तो उससे रिमोट कंट्रोल का उसमें कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य है, जो FSL जांच के द्वारा पुष्टि हो जाएगी उसकी।
उच्च शिक्षा मंत्री, सांसद व विधायक ने संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से गिनवाई उज्जैन के लिए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। 26 मई को नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में उज्जैन के लिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जानकारी दी कि दिनांक 26 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोठी भवन के पास बने नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे और महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां भी देखेंगे। गौरतलब है कि 27 करोड़ की लागत से बना कलेक्ट्रेट भवन लंबे समय से अपने लोकार्पण की बाट जो रहा है। यादव ने बताया कि प्रशासनिक कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद पुराने कोठी भवन को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं महाराजवाड़ा और कालेदेव महल को भी विकसित करने की योजना है और रोजगार के क्षेत्र में 29 मई को उज्जैन में स्थापित अमूल के नए प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के साथ साथ दूध के व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवीन भवन का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को करेंगे। इसके अलावा महाकाल क्षेत्र में किए जा रहे 700 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला, जिसके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन के एक नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण होगा, जिसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर सभी वरिष्ठ अधिकारी से लेके उनके तहसीलदार स्तर तक के सारे लोगों का समायोजन किया जाएगा, ताकि आम जनता को कठिनाई नहीं आए। इसके साथ साथ हमारे अपने महाकाल मंदिर द्वारा 150 गायों की नई गौशाला का भूमि पूजन 25 तारीख को किया जाना है, जिसके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर को या अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे लाना चाह रहे हैं, जो महाकाल मंदिर के विकास के मामले में मदद करे। गौशाला आज ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गोवंश सड़क पे मारा मारा फिरता है। ऐसे में रातड़िया गांव के पास ये नई गौशाला बनेगी, जिसका संचालन संधारण बाद में महाकाल मंदिर करेगा। महंत विनीत गिरी जी की पहल पे एक बड़ी कंपनी ने अपना निजी खर्च से वो गौशाला बनाने का निर्णय किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी को, जो आप सहकारिता मंत्री भी भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी, वो एक 300 करोड़ की लागत से बड़ा अमूल का एक प्लांट का भूमि पूजन 29 तारीख को करने वाले हैं, जो हमारा प्लांट उज्जैन के आसपास के सभी पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगा। जैसा अमूल के माध्यम से गुजरात में एक अलग ही विकास की तरक्की की मिसाल देखने को मिली है, मालवा में भी हमारा अमूल का बड़ा प्लांट ये बड़ी उपलब्धि देगा। इसी के साथ 29 तारीख को ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आयुर्वेद का प्रदेश का सबसे बढ़िया कॉलेज का लोकार्पण यहाँ होगा, जिसको हमने मंगलनाथ पे बना करके तैयार किया है। माननीय महामहिम के हाथों से होकर के उज्जैन गौरवान्वित होगा। महाकाल मंदिर पे जो 700 करोड़ के नए कामों का जो शुरुआत हुई है, उसका एक चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, अर्थात देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी लगातार एक के बाद एक सौगातें उज्जैन को दे रहे हैं। यह लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें होगी, रोजगार को लेकर के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उज्जैन में उपलब्ध हुए हैं। हेल्थ से लेकर शिक्षा तक सभी सेक्टर में उज्जैन में काम हो रहा है, धार्मिक पर्यटन से लेकर के IT तक। अब उम्मीद करते हैं कि उज्जैन की जो छटा है ये दुनिया में अलग प्रकार से, जो हजारों साल से उज्जैन मानी जा रही थी, उसको स्थापना करने का ये समय आया है। जन्मदिवस की खुशियां बदली मातम में, अपने ही जन्मदिन की पार्टी के दौरान नरसिंह घाट पर डूबा युवक। अनूप सक्सेना निवासी ढांचा भवन के पुत्र रोहित का रविवार को 17वां जन्मदिन था। पिता अनूप व परिवार के लोगों ने नरसिंह घाट पर रिश्तेदारों व पड़ोसियों को पार्टी दी थी। दोपहर में जब खाना बन रहा था, उस दौरान रोहित अपने रिश्तेदारों व पड़ोसियों के साथ शिप्रा नदी में नहाने के लिए चला गया। इस दौरान वो गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना मिलने पर तैराक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाला गया। बेटे के शव को देखकर उसके पिता व परिवार के अन्य सदस्य अपना आपा खो बैठे। काफी देर तक वो रोहित के शव के पास बैठे विलाप करते रहे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। जन्मदिन के दिन किशोर की मौत से ढांचा भवन क्षेत्र में मातम पसर गया। घटना के संबंध में रोहित के एक परिचित अमित श्रीवास्तव ने बताया, सर ये कार्यक्रम था, इसका बर्थडे था, तो ये नदी पर नहा रहा था, उसका पैर फिसल गया तो नदी के अंदर चला गया।
तो आज मतलब ये वहाँ पर नदी नहाने गया था, क्या कारण था आज इसका? सर इसका बर्थडे था तो ये मगर नहा के आ जाऊँ, फिर कपड़े नए कपड़े पहनूंगा, फिर केक काटूंगा। सर इसका ये मतलब था? तो ये अकेला था या साथ में कोई भी नदी? साथ में अकेला था, इसका छोटा भाई भी था। हाँ ये बैठे हुए थे, वो छोटा भाई अंदर पेप चल गया, अंदर चला गया नदी में। उसको बच्चों को तैरना आता था? तैरना नहीं आता सर। महाकाल दर्शन के लिए आए दो अलग अलग परिवारों के कारण दुर्घटना में हुई क्षतिग्रस्त, दो को आई मामूली चोट। ग्वालियर में रहने वाले देवकी नंदन शर्मा अपनी पत्नी आरती के साथ महाकाल दर्शन के लिए आए थे। यहां से लौटते समय हरी फाटक रोड पर शांति पैलेस के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MP09HF3473 ने लापरवाही पूर्वक उनकी कार क्रमांक MP07CK2191 को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी डिवाइडर में जा घुसा। सूचना मिलने पर नानाखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात व्यवस्थित किया। इसी तरह गुजरात के बड़ौदा के पास करजन से महाकाल दर्शन करने आ रहे चार लोगों की अल्टो 800 कार इंगोरिया के पास क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार कार्तिक उपाध्याय ने बताया कि बर्नगर क्रॉस करने के बाद किसी वाहन को ओवरटेक किया और सामने गड्ढा आ गया, जिस कारण गाड़ी डिसबैलेंस हुई और पेड़ से जा टकराई, और उनके भाई रजनीकांत उपाध्याय और भाभी किंजल उपाध्याय मामूली घायल हुए हैं। घायलों को डिस्चार्ज करा लिया गया है और अब वे महाकाल दर्शन भी करेंगे। सर हम उज्जैन आ रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए, और बीच में जो गाड़ी हम बड़नगर से उज्जैन तरफ जो रास्ता है वहाँ पे बीच में एक खड्डा था, तो वो खड्डे में वो गाड़ी ओवरटेक करके जो हमारी लाइन पे हमारी ट्रैक पे जा रहे थे, तो बीच में एक खड्डा आ गया, उसमें गाड़ी का अनबैलेंसिंग होके गाड़ी स्लिप होके और जो गाड़ी वापस रोड पर नहीं आई, तो वो गाड़ी को अनबैलेंस करके वो गाड़ी पेड़ पर लग गई। हाँ, कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो दो लोग ही हुए हैं। गाड़ी की पलटी भी खाई थी कि? पलटी नहीं खाई थी, और झाड़ से टकरा के वो स्टेट ही खड़ी हो गई। व्यवसायियों द्वारा निजी खर्च पर लगवाई गई डीपी से मांगा अवैध कनेक्शन, नहीं देने पर की मारपीट व झूठी शिकायत, व्यवसाय पहुँचे थाने। हाटकेश्वर धाम क्षेत्र में अलमारी निर्माण व अन्य लघु उद्योग संचालित करने वाले लगभग 15 व्यवसायियों ने अपने खर्च पर क्षेत्र में विद्युत डीपी लगवाई, जिससे उद्योग संचालन में उन्हें सुविधा हो, मगर क्षेत्र के अमीन लाला द्वारा उक्त डीपी में से अवैध विद्युत कनेक्शन मांगा गया। तब व्यवसायी फारूक कुरैशी द्वारा अमीन लाला से मीटर लगवाने की बात कही तो अमीन ने फारूक के साथ मारपीट की और उसके खिलाफ झूठी शिकायत की। इसी मामले को लेकर व्यवसायियों ने अमीन के खिलाफ एक शिकायती आवेदन थाना नीलगंगा में सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए व्यवसायी फारूक कुरैशी ने बताया, सर मेरे कारखाना है, हम 15-20 जनों का वहाँ सावड़ा खेड़ी में हटकेसर कॉलोनी के जस्ट सामने विश्वास नगर में, उसमें मैंने हमने सब ने मिल के निजी डीपी उतराई है, सेम प्राउड, मतलब किसी के नाम की नहीं, ना कॉलोनी के राजर की है, किसी की नहीं है, हम 15 जनों की है वो डीपी, तो उसमें क्या नाम है उसका लाला करके है, अमीन लाला, वो मेरे से अवैध रूप से लाइट मांग रहा था, तो मैंने उससे ये बोला कि भैया तू लाइट ले ले, मीटर ले ले, मैं तेरे को कनेक्शन दे दूंगा, तो उनने थप्पड़ मारा मुझे और गालियां बजी उस पीछे। उसके बाद उनने मेरे नाम की झूठी कार्रवाई आवेदन दे के आया कलेक्टर के वहाँ, और मीडियाओं में बोला कि ये पुराना अपराधी है, जबकि मैं कारोबार 20 साल से चला रहा हूँ अलमारी लाइन का, और अलमारी से रिलेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये झूठी झूठी कार्रवाई कर रहा, और हमारे कोई अवैध मीटर नहीं चल रहे हैं, लाइट मीटर कमर्शियल में बिल्कुल तरीके से एक नंबर में चल रहा है हमारा मीटर। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए कराए गए 111 दिवसीय यज्ञ के संपन्न होने पर संत दादूराम आश्रम में की गई पूर्णाहुति। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर महंत ज्ञानदास जी द्वारा विगत 111 दिनों से चल रहे यज्ञ की पूर्णाहुति कर यज्ञ संपन्न किया गया, जिसके बाद संतों का समागम हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे व बड़ी संख्या में अखाड़ों से महामंडलेश्वर व संत शामिल हुए, जहां संतों ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर आगे की रणनीति बनाई। आयोजन में घटिया विधायक रामलाल मालवी शामिल हुए, जिन्होंने दादूराम आश्रम के सामने स्थित शिप्रा नदी के किनारे घाट बनाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। आयोजन के बाद दादूराम आश्रम द्वारा सभी संतों का और अतिथियों का शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस बाबत संत ज्ञानदास जी महाराज व विधायक रामलाल मालवी ने बताया, पिछले वर्ष नवंबर 2021 से मेरा जो माँ शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के जो आंदोलन था, उसी को लेकर के निरंतर जारी रखते हुए बीच में जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर के हमने हमारा अनशन तोड़ दिया था, लेकिन
उसी का स्वरूप बनाते हुए 111 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ माँ शिप्रा के किनारे आज 111 दिवसीय जो यज्ञ था आज उसका विश्राम दिवस है। और आज विश्राम ही नहीं, आगे भी हम और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और आज दादू दयाल जी महाराज का निर्वाण दिवस भी है। उस महापुरुष ने इस धरती पर आकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जन जन तक अच्छा संदेश पहुंचाया, एकता का संदेश दिया है। ऐसे महापुरुष की निर्वाण दिवस के उपलक्ष में आज ये 111 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हुआ और माँ शिप्रा को लेकर के हम आगे भी रणनीति बनाएंगे। किस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसी हिसाब से फिर आगे भी हम कार्य करेंगे। और आज शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर जो इन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया था वो आज पूर्ण हुआ है। आने वाले समय में माँ शिप्रा जी हमारी किस प्रकार कल कल धाराओं में बहती रहे, शुद्ध रहे, उसके लिए सारे संतों का आशीर्वाद यहाँ मिला है। और हम जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं कि माँ शिप्रा जी को जिस प्रकार प्रवाहमान और शुद्धिकरण के रूप में सरकार की योजना है उसको निरंतर रूप से आगे जारी रखें और माँ शिप्रा जी का शुद्धिकरण हो। इसमें मिलने वाले जो उज्जैन शहर का जो पानी गंदा नाला मिलता है उसको रोका जाए ताकि माँ शिप्रा जी हमारी शुद्धिकरण के रूप में रहे। करोड़ों जनता की जो आस्था माँ शिप्रा जी को आचमन करने का, डुबकी लगाने की जो है, वो उनकी आस्था पूर्ण हो। नानाखेड़ा बस स्टैंड के ऑटो चालक रंगदारी से हुए परेशान, पुलिस ने मांगा आवेदन जबकि ऑटो में हुई तोड़फोड़। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित मंथन चौराहे पर लगने वाले ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक दो भाइयों की रंगदारी से परेशान है। ऑटो चालक स्नेहल शाह ने बताया कि सोमवार सुबह दो बदमाश भाई अंकित और लक्की पारोचे ने उनकी ऑटो क्रमांक MP13R3870 में तोड़फोड़ की और पत्थरों से उनके ऑटो के कांच फोड़ दिए। ऑटो चालक के अनुसार आए दिन दोनों भाई ऑटो स्टैंड पर दादागिरी करते हैं और पिछले तीन दिनों से उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर स्नेहल जब नानाखेड़ा थाने पहुंचे तो उन्हें आवेदन बनाकर लाने को कहा गया। स्नेहल ने बताया कि बदमाशों के पिताजी सरकारी नौकरी में हैं जिसका फायदा उठाकर दोनों भाई रंगदारी करते हैं और उनके पिता भी उन्हें बढ़ावा देते हैं। दो तीन दिन पहले भी एक ऑटो चालक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दोनों बदमाश भाइयों की शिकायत लेकर पहुंचा था। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।